नागेश्वरधाम सरकार की। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। एक और बात कहेंगे आपको, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, बा पर कृपा करे सब कोई। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की असीम कृपा बरसने वाली है। आपने एड्रेस तो सुन ही लिया है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से। जी हाँ, एक दिवस से बागेश्वर धाम सरकार 2 तारीख को राजस्थान के पावन धरती पर, वीरों की धरती पर पहुँचने वाले हैं, और बड़े ही भव्य वहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है। टेंट की वीडियो और पूरा लोकेशन आपको देखना है तो इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं राजस्थान से पहुँच कर ही आपको सभी वीडियो की जानकारी, सभी टेंट की जानकारी देखना। कैसा टेंट लग रहा है, बिना टोकन का बिना नंबर का दिव्य दरबार लगेगा यहाँ पर, और सभी लोग लाखों भगत यहाँ पर आएंगे, आप लोग भी आएँ। देविक आदेविक आदभौतिक के शास्त्रानुसार, भागवत शास्त्र अनुसार और ग्रंथों के अनुसार, मंत्र चिकित्सल्या के अनुसार, बागेश्वर धाम सरकार सिद्धियों के अनुसार सभी का पर्चा बनाएंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, अगर आप गुरुदेव को, परम पूज्य गुरुदेव को मानते हो, उनको पसंद करते हो, उनको अपना भाई मानते हो, मित्र मानते हो, बेटा मानते हो, या किसी प्रकार का रिश्ता रखते हो उनसे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप नहीं लाइक करोगे, नहीं शेयर करोगे तो समझ लो आप किसी, मतलब गुरुदेव से प्यार नहीं करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास नहीं है, बालाजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है मित्रों। तो क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट वीडियो बागेश्वर धाम सरकार की अपने चैनल के माध्यम से मैं लाते रहता हूँ, और आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स से अपनी राय लिखिए, कैसी लगी वीडियो, और गुरुदेव को कितना पसंद करते हैं, क्या आपका रिश्ता रखते हो गुरुदेव से, क्या आप धाम पे गए हो नहीं गए हो, क्या आपकी समस्या है, क्यों दूर नहीं हो रही है, ये सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार, सन्यासी बाबा की जय।